मेरे व्हाट्सएप ने ये लगाया मैं किधर जा रही हूँ क्या कर रही हूँ, उनको हर चीज पता होती है। तो आपको आपने मना नहीं किया उनको? नहीं। आप अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं? जी। यानी कि कैमरे के थ्रू आपके सिक्योरिटी गार्ड आपके वालिद साहब हैं माशाल्लाह। जी। अच्छा, उन्होंने आपके सामने मेन पॉइंट ये रखा है कि लड़की को कोई भी बातों में बिला फुसला कर गलत ट्रैक पे लेके जा सके। जी, बड़ी बात है। ये आपको पता होगा ये कराची में जो वाकया है पेश आया, बाप बेटी को मार के चले गए एक अमीरजादी, तो वो प्रूफ तो नहीं ना ढूंढेंगे, तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने लगाया। आपको भी कोई मार सकता है, कुछ भी करके जा सकता है। जी। कितनियों के सर पर आप सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर प्लेस करेंगे? असल में जो मसला है वो ये है कि हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर हम लोग दीन से दूर हो गए हैं। दीन से दूरी की वजह से ये सारे मामला आते हैं, और घरों में स्पेशली एक बात मैं आजकल देख रहा हूँ कि ख्वातीन घरों में नमाज नहीं पढ़ती, बच्चों को ट्रेंड नहीं करती। पहले हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो घरों में ख़त्म करवाते थे, मिलाद करवाते थे, लोगों की तरबियत होती थी, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ाया जाता था। बच्चियों पे ना फोकस करें, मर्दों को भी तो फिर नमाजें पढ़ाए। वो माँ का करेक्टर है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है, बाप का भी उतना ही ज़बरदस्त है। बाप यही है कि मर्द के साथ आप कभी भी महफूज रह ही नहीं सकते, क्या करें। अब ऐसा ही हो सकता है, आप खुद को महफूज ही कर खुद ही कर सकते हैं, सिर्फ ये भी गलत है। कैसे? ना वो पर्दा करती हैं, ना उनमें शर्म है यार रह गई है, पढ़ाई के नाम पर वो गुलशन नहीं उड़ा रही हैं, टाइम वेस्ट कर रही हैं सिर्फ। जो लड़कियां पर्दे में रहती हैं, जो लड़कियों ने पूरा अबाया पहना होता है, रेप तो उनका भी होता है जो लोग, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम चलाया। लेकिन अगर सब लोग बुरे बन जाए तो फिर दुनिया की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं किसी और कंट्री में नहीं मैंने देखा कि सरों पर सीसीटीवी कैमरे लेकर घूम रहे हों, मैंने तो पाकिस्तान के अंदर देखा है। और किसी लड़की को कोई बिना वजह ना छेड़े, ये बात, मतलब अगर कोई वजह हो तो छेड़ ले। नहीं नहीं, वजह तो नहीं ना, वो देखे कैमरा तो सामने की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा, तो वो ऐसा ही है उसके, अगर किसी ने बदतमीजी करनी है तो वो दूर से भी कर सकता, साइड से भी कर सकता, कैमरा उसका उतार के भी कर सकता है। तो इस पे इससे बेहतर है कि अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह जो जितने गुनाहगार इस दुनिया में हैं या इस पाकिस्तान में हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, सबकी बेटियाँ बेटियों की इज़्ज़त महफूज रहे, और जो है कि ऐसे तो नहीं हो सकता मेरे लिहाज से बेटियों के सर पे कैमरे लगा दें, कल को हम उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड छोड़ें। तो अगर मोहल्लों में लोग बच्चों को इकट्ठा बैठा के कुरान पर आएँ, उनको कोई दीनी बातें बताएँ, जो कि आप ज़रा गौर कीजिए मेरी बात पर, शायद ही कोई लाहौर में ऐसा मोहल्ला हो जिसमें लोग अपने बच्चों को बिठा के इकट्ठे बिठा के किसी मौलवी साहब को बुला के कहें जी इनको कुरान पढ़ाएं, या मस्जिद में भेजें। बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को मस्जिद में भेज रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतने बच्चे स्कूल नहीं जाते, 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ द स्कूल है जितने बच्चे मदरसों में जाते हैं। यहाँ के मर्द ही नहीं थी, क्या करते हैं, बहुत गंदी नजरें हैं, उनकी नज़र में इज्जत रह ही नहीं गई औरत की। बेटा आपने दुपट्टा लिया हुआ है, ठीक है, आपने अपने आप को ढांपा हुआ है, आपकी इस दुपट्टे में भी इज्जत होती है, मर्द करते हैं इज्जत? बिल्कुल भी नहीं, वो देखते इस तरह जैसे आपको स्कैन कर रहे हैं, मतलब एक नज़र में सिटी स्कैन पक्का है। किसी तरह की लिफ्ट कराई या मुस्कुराने का बिना वजह तो कोई नहीं छेड़ेगा, तो किसी को कभी मुस्कुरा कर लिफ्ट लुफ्ट नहीं करवाई फिर भी लोग बदतमीजी कर जाते हैं। वो आप बाहर फील्ड में चले जाएँ, औरतें भी आपको, मेरे साथ खुद ऐसे वाकयात हुए हैं, तो वो आपको हिट करती हैं, लेकिन वो बंदा अगर सही है तो आप निकल जाओ, अगर आप खुद वैसे हो तो फिर। वैसे देखा जाए तो बाज़ारों में कोई इतना कोई वर्स स्टेटस भी नहीं है, वर्स स्टेटस है, औरतें घूम रही हैं, स्टूडेंट बच्चे बच्चियां घूम रहे हैं। अभी आप उन बच्चे, सिर्फ इसी डर से हम लोग प्राइवेट पढ़ रहे हैं। प्राइवेट पढ़ रहे हो मतलब यूनिवर्सिटी नहीं जाते? नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक बहुत अनोखा सा केस पाकिस्तान के अंदर सामने आ रहा है कि एक बाप ने अपनी बेटी के सर पे सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है सिर्फ और सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस वक्त वर्स कंडीशन है विमेन सेफ्टी के हवाले से, अस्पतालों के अंदर रेप हो रहे हैं, स्कूल्स के अंदर रेप हो रहे हैं,
जिन ऑफिसेज में औरतें काम करने जाती हैं वहां रेप हो रहे हैं, तो इन पूरी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बाप ने अपनी बेटी के सर पे सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया ताकि उसकी 24 घंटों में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो जहां भी जा रही है जिससे मिल रही है उस पर नजर रखी जा सके। और स्पेसिफिकली मकसद ये है इसके पीछे का कि कोई भी लड़का उसके साथ रेप ना कर पाए, बदतमीजी ना कर पाए, बदसलूकी ना कर पाए। पाकिस्तान के अंदर क्या औरत इतनी गैर महफूज है कि अब औरतों के सर पर सीसीटीवी कैमरे रख दिए जाएंगे? क्या पाकिस्तान के मर्द इतने डेस्परेट हो चुके हैं? क्यों इनसे लड़की के फीचर्स, लड़की का स्ट्रक्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा कि नौबत अब ये तक आन पड़ी है? पाकिस्तान की अवाम क्या राय रखती है? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बात बड़ी ना पीछे माजी में चली जाती है। बात ये है कि हजरत उमर एक घर के बाहर से गुजर रहे थे तो एक माँ बेटी को कह रही थी कि इसमें पानी मिला दो दूध में। तो बेटी ने कहा कि कोई देख लेगा। उसने कहा यहाँ किसने देखना है? तो उसने कहा कि अल्लाह तो देख रहा है ना। तो बात ये है कि हमारी नेशनल असेंबली में पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लहदह होती है, लोग उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन नेशनल असेंबली जो होती है ना असल में वो लेजिस्लेशन के लिए है। उसमें कानून साजी के लिए कौमी असेंबली में लोगों को सिलेक्ट करके भेजा जाता है और ये सोच के भेजा, दे आर बेस्ट थिंकर्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो जब आप अपने लोगों को लेजिस्लेशन नहीं देंगे, कानून के ऊपर अमल नहीं करवाएंगे, अमीरों के लिए रिलीफ हो, NRO हो, जैसे NRO एक वर्ड, एक लानत आ गई है हमारे मुआशरे में। इफ़ समबडी इज़ क्रिमिनल ऑलवेज गिवन NRO। तो मेरे ख्याल में कोई गरीब आदमी अगर जुर्म करता है तो उसके लिए कोई NRO नहीं है, वो सीधा जेल में जाता है। अच्छा। और उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। हालांकि वो जो साइकिल चोरी कर रहा है या कोई छोटी मोटी चोरी कर रहा है या लाखों की कर रहा है तो उसके पीछे अगर उसका आप बैकग्राउंड देखें तो लोग गरीब होते हैं, वो अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए चोरी करते हैं। तो जहाँ पे बच्चियों के सर पे CCTV कैमरा लग जाए तो मुल्क के हुक्मरानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस बाप ने क्या सोच के ये किया है। तो हमारे मुआशरे में वालदैन को और जनरल सोसाइटी को ये सोचना चाहिए कि एक बाप ने ऐसा किया है तो क्यों किया है, उसमें हमारा भी तो कोई ऐसा नेगेटिव शेयर है जिसकी वजह से उसने CCTV कैमरा लगा दिया। तो सर पर देखें, हमारे मुल्क के अंदर कब्रों को मेटल के दरवाजे लगाकर ताले लगाए जा रहे हैं। वो जो औरतों को फ्रेश दफनाया जाता था उनको निकाल कर रेप कर देते थे तो वो मेटल के दरवाजे लगाए जा रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त वर्स्ट कंडीशंस हैं। हम लोग तमाम मुस्लिम ममालिक में से इस वक्त वर्स्ट कंडीशंस फेस कर रहे हैं। अगर हम विमेन की बात करें, विमेन की सेफ्टी के लिहाज से क्या कहेंगे आप? कितनियों के सर पर आप CCTV कैमरे यहाँ पर प्लेस करेंगे? असल में जो मसला है वो ये है कि हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर हम लोग दीन से दूर हो गए हैं। दीन से दूरी की वजह से ये सारे मामला आते हैं और घरों में स्पेशली एक बात मैं आजकल देख रहा हूँ कि ख्वातीन घरों में नमाज नहीं पढ़ती, बच्चों को ट्रेंड नहीं करती। पहले हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो घरों में ख़त्म करवाते थे, मिलाद करवाते थे, लोगों की तरबियत होती थी, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को कुरान पढ़ाया जाता था। बच्चियों पे ना फोकस करें, मर्दों को भी तो फिर नमाजें पढ़ाए, मर्दों को भी तो कुरान शरीफ पढ़ाए। सुने, जो जो माँ का करेक्टर है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, बाप का भी उतना ही ज़बरदस्त है। बाप का भी है लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चा निगेबानी में रहता है वो माँ की निगेबानी में रहता है। तो अगर महल्लों में लोग बच्चों को इकट्ठा बैठा के कुरान पढ़ाएँ, उनको कोई दीनी बातें बताएं, जो कि आप ज़रा गौर कीजिए मेरी बात पे, शायद ही कोई लाहौर में ऐसा मोहल्ला हो जिसमें लोग अपने बच्चों को बिठा के, इकट्ठे बिठा के किसी मौलवी साहब को बुला के कहें जी इनको कुरान पढ़ाएँ या मस्जिद में भेजें।
बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को मस्जिद में भेज रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इतने बच्चे स्कूल नहीं जाते, 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ द स्कूल है जितने बच्चे मदरसों में जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर करोड़ों की तादाद में मौलवी मौजूद है, इतने मौलवी सऊदी अरेबिया के अंदर भी मौजूद नहीं है जितने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर दरबार दरगाहें उतनी मौजूद है जितनी सऊदी अरेबिया के अंदर भी मौजूद नहीं है। अभी आप क्या कहेंगे? स्कूलों में जो बच्चे नहीं जा रहे ना, वो उसका मसला ये है कि लोगों के अंदर गुर्बत है। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रही हूँ ना। आप कह रहे हो ना कि मौलवी को नहीं बुलाते, तो आधे से ज्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो तो जाते ही मदरसों के अंदर, वो तो स्कूलों में जाते ही नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज जो है ना आपके मुआशरे में डेवलप हो गई है कि जैसे बड़े बड़े ब्रांड स्कूल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो वो जो लोग रिच हैं अपने बच्चों को ब्रांड स्कूल में भेज देते हैं, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल भी अच्छा है, तो जो बच्चे बेचारे सरकारी स्कूलों में हैं वहाँ पर टीचर जो हैं वो तवज्जो कम दे रहे हैं। और दूसरी बात, लोगों के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकें। मैट्रिक तक तो पढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर वो एजुकेशन के जो एक्सपेंडिचर्स हैं ना वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा मुआशरा इलिटरेट होता जा रहा है। अच्छा, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक बात बताइएगा, आज जो हम जहाँ हज उमरा करने जाते हैं सऊदी अरेबिया, उन्होंने अपनी औरत को इतनी आज़ादी दी है, मैंने तो नहीं देखा कि उनकी औरतों के सर पे उनकी सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरे प्लेस किए गए हो कि भाई इन्होंने तो ऐसे कपड़े पहने। आपको पता सऊदीया कितना मॉडर्न हो गया है? देखिए मेरी बात सुने, आप सऊदीया की बात तो कर रही हैं लेकिन आपको पता कि सऊदीया में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कितनी सख्त है। ठीक है, वो वहाँ पे औरतें अगर घूम रही हैं और वो फील कर रही हैं कि सेफ्टी है, जो बंदा वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसको पता है कि मुझे सज़ा मिलेगी, तो सज़ा से डर की वजह से लोग जराइम नहीं कर रहे वहाँ पे। फिर मर्दों की आंखें नीचे हो जाती है ना वहाँ पर डंडे के जोर पर। बड़ा कुछ हो रहा है वहाँ पर, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, ज़बरदस्त किस्म की सेफ्टी है। और वैसे भी जो उनकी हुकूमतें हैं वो अपने लिए पैसे कम इकट्ठे करते हैं, लोगों को ईदों पर लफाफों की शक्ल में उनके घरों में पैसे भेजते हैं, जबकि हमारे मुआशरे में रिलीफ दिया जाता है, ये कह के जी बिजली के बिलों में आपको इस दफ़ा रिलीफ दिया गया है, तो उसका कोई डायरेक्ट फीलिंग लोगों तक नहीं आती। वुमेन की सेफ्टी को कैसे यहाँ पर हम लोग अच्छा कर सकते हैं या किस तरीके से यहाँ पर वुमेन को सेफ कर सकते हैं बताएं? वैसे देखा जाए तो बाज़ारों में कोई इतना कोई वर्स स्टेटस भी नहीं है। वर्स स्टेटस है, औरतें घूम रही हैं, स्टूडेंट बच्चे बच्चियां घूम रहे हैं। अभी आप उन बच्चियों से पूछिएगा, मैं तो यूनिवर्सिटी, बल्कि मैं खुद स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में रह चुकी हूँ, मैंने तो यूनिवर्सिटी का भी माहौल देखा है कि टीचर्स अपनी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, जो लड़कियाँ ऑफिस में जाती हैं उनके साथ कैसा बिहेव होता है, जो लड़की बाजार में जाती है इवन उसने चादर ओढ़ी हो ना ओढ़ी हो उसके साथ कैसा सलूक होता है। मैं खुद लड़की हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की हैं। आप हर एक बंदे को टीच नहीं कर सकते, उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, हमारा मुल्क है एक इस्लामी मुल्क है, हमारी कुछ रवायात हैं, हमारा दीन भी कुछ लिमिट्स देता है कि हमको ऐसी शख्सियत में होना चाहिए, हमें ऐसा जैसे कुरान कह रहा है कि अपनी नज़र को नीचे रखो, तो लोग इसके ऊपर थोड़ा अगर फोकस करें तो हमारा मुआशरा बेहतर हो सकता है। अब हम इन द फ्यूचर किस तरीके से यहाँ वेमेन एम्पावरमेंट करें? शरिया लॉ के साथ सऊदीया ने इतनी वेमेन एम्पावरमेंट की है, हम तो फिर उनके आगे आटे में नमक के बराबर है। नहीं, हमारे मुल्क में सऊदीया से ज्यादा एम्पावरमेंट है, जैसे कि गाड़ियाँ चला रही हैं, जॉब भी चला रही है, वो तो अब बेचारी शुरू हुई है। आप तो 50-60 साल से औरतें गाड़ियाँ चला रही हैं हमारे मुल्क में, तो हमारा मुल्क तो ऑलरेडी वुमेन को एम्पावरमेंट देता है, लेकिन जो कोर्ट्स की और थानों की जो कंडीशन है दैट इज़ वेरी पुअर, वेरी पुअर, और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ लेना अदालतों में इतना मुश्किल बना दिया गया है कि 20-25 साल मुकदमे चलते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। वो पैसे बेचारे खर्च खर्च के उनकी जेबें खाली हो जाती है और एंड में वो बेचारे छोड़ के पीछे हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के मर्द ही नहीं ठीक। क्या करते हैं? बहुत गंदी नज़रें हैं उनकी, नज़र में इज्जत रह ही नहीं गई औरत की।
बेटा आपने दुपट्टा लिया हुआ है, ठीक है, आपने अपने आप को ढांपा हुआ है, आपकी इस दुपट्टे में भी इज्जत होती है? मर्द करते हैं इज्जत? बिल्कुल भी नहीं, वो देखते इस तरह जैसे आपको स्कैन कर रहे हैं। मतलब एक नज़र में सिटी स्कैन पक्का है? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों है, क्यों औरत पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है, या कितनी सेफ्टी है यहाँ पर वेमेन को? यहाँ पर बिल्कुल भी वेमेन की सेफ्टी नहीं है, मर्दों की नज़र में पर्दा रह ही नहीं गया, मर्द की नज़र में सिर्फ हवस रह गई है और कुछ भी नहीं रहेगा। जिस बच्ची के सर पे सीसीटीवी कैमरा लगाया है मर्दों के डर से कि कहीं कोई मर्द उसके साथ ज्यादती ना कर दे, बस सलूकी ना कर दे, हम कितनी लड़कियों के सर पे सीसीटीवी कैमराज लगाएंगे, ये बताइएगा क्यों ऐसा माहौल आ गया? किसी की सीसीटीवी कैमरा लगाने से औरत महफूज नहीं हो सकती, वो खुद को खुद से महफूज रख सकती है। किसी के होने से वो खुद को महफूज बिल्कुल भी ना समझे, वो अपने आप को खुद महफूज करे तो बेहतर होगा। कैसे महफूज करेगी औरत अपने आप को? वो ना ही किसी मर्द की तरफ मतवजा हो, ना ही उसको देखे। जो मर्द आपको देखे तो आपको बस यही चाहिए कि आप उसको इग्नोर करें, आप जितना इग्नोर करेंगे आप उतना सेफ रहेंगे। अगर कोई मर्द आपको कंटिन्यूसली तंग कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? आपको सिर्फ पुलिस के पास जाना चाहिए और कहेंगे, डायरेक्ट पुलिस को कॉल करनी चाहिए और कुछ भी नहीं। मतलब खुद भी शट अप कॉल नहीं देनी चाहिए? शट अप कॉल का मर्दों पर कोई असर नहीं होता, वो ढीठ होते हैं फिर भी पड़े रहते हैं पीछे। पाकिस्तान के अंदर वेमेन कौन से सेक्टर में या कौन से फील्ड के अंदर सेफ है, किस जगह पर वेमेन सेफ है? आई थिंक पुलिस की पोस्ट पर ही। पुलिस की पोस्ट पर सेफ है? यस। पुलिस डॉक्टर के सामने, डॉक्टर भी आपके सामने अब सेफ नहीं है, टीचर्स भी सेफ नहीं है, और आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर भी सेफ नहीं है, तो बेस्ट यही है कि आप पुलिस कर लें। लेकिन पुलिस का भी हम लोगों ने देखा कि पुलिस में जो लड़कियाँ मौजूद हैं उनके ऊपर भी हमने ज्यादती, उनके साथ भी रेप होते हुए देखा केसेस, तो वो भी सामने आए थे। बात तो बस यही है कि मर्द के साथ आप कभी भी महफूज रह ही नहीं सकते, क्या करें? अब ऐसा ही हो सकता है, खुद को महफूज ही कर, खुद ही कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन हमारी औरत यहाँ पर एजुकेटेड, उसको अपने राइट्स का नहीं पता ना, कुछ उसको दबा कर रखा गया है। कुछ औरतें भी गलत हैं। कैसे? ना वो पर्दा करती हैं, ना उनमें शर्म है या रह गई है, पढ़ाई के नाम पर वो गुलशन नहीं उड़ा रही हैं, टाइम वेस्ट कर रही हैं सिर्फ। जो लड़कियाँ पर्दे में रहती हैं, जो लड़कियों ने पूरा अबाया पहना होता है, रेप तो उनका भी होता है। जो जानवर हैं तो रेप तो उनके साथ भी होता है। आप ये देखें ना, यहाँ पर अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी का वाक्य बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर तो एक अबाए वाली ने पकड़े गए थे ऊपर, वो तो उनकी अपनी मर्जी से सब हो रहा था ना, तो आप पर्दे को ब्लेम नहीं कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा तो है, कुछ पर्दे के बगैर भी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, किसी के करेक्टर को जज थोड़ी कर सकते हो। ऐसे करेक्टर जज नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं कर नहीं सकते हम कभी भी। पर्दे से किसी के करेक्टर को जज नहीं करना चाहिए, इंसान की सीरत तो होती है बस, और वो पर्दे से नहीं। पर्दा बेशक ज़रूरी है, वाजिब है। आप पाकिस्तान में आप भी एक लड़की हो, कैसा माहौल चाहते हो अपने लिए? बिल्कुल सेफ, जहाँ पर मर्दों की गंदी हवस वाली निगाहें ना हो, सिर्फ ऐसा। आपके पेरेंट्स को परेशानी होती है जब आप घर से बाहर निकलते हो, जब आप कभी यूनिवर्सिटी जाते हो या जॉब करने जाते हो, तो आपके पेरेंट्स को पीछे से परेशानी रहती होगी? सिर्फ इसी डर से हम लोग प्राइवेट पढ़ रहे हैं। प्राइवेट पढ़ रहे हो, मतलब यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं? नहीं, मैं प्राइवेट कर रही हूँ। अच्छा, मतलब घर बैठ के पढ़ के पेपर दे रही? बिल्कुल। अच्छा, इस डर की वजह से? बिल्कुल। तो फिर पाकिस्तान की औरत कितनी डिप्राइव्ड या पीछे है कि हम तालीमी इदारों में नहीं जा पा रहे हैं यहाँ के माहौल की वजह से? बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। नहीं, ये तो गलत बात है, बस इत्माद होना चाहिए अपने माँ बाप को, अपने बेटियों पे। बेटी पे तो है, मर्दों पे नहीं है उनको। ये इसके बारे में मैडम मैं क्या कहूँ? क्या कहेंगे आप विमेन सिक्योरिटी के लिए उनके सरों पर सीसीटीवी कैमरे रखे जाने लग गए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मर्द सारे एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन इसमें जो बुरे लोग होते हैं उन्होंने अच्छों का भी, जो अच्छे लोग हैं उनका भी लोग समझते सब एक जैसे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम चलाया। लेकिन अगर सब लोग बुरे बन जाए तो फिर दुनिया की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं किसी और कंट्री में नहीं मैंने देखा कि सरों पर सीसीटीवी कैमरे लेकर घूम रहे हैं, मैंने तो पाकिस्तान के अंदर देखा है। और पाकिस्तान के अंदर आप तो कब्रों को वो मेटल के दरवाजे लगाकर ताले भी लगाए जा रहे हैं कि औरतों को निकाल कर, मुर्दा औरतों को निकाल कर रेप करते हैं। ये जो कल्चर यहाँ पर चल पड़ा है गंदगी का, उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, ये तो मैडम बहुत गलत बात है, इसके बारे में तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कोई अच्छा फैसला करें, या जो काबिल अफीसर हैं बैठ के, तो ये जो सब हो रहा है, ये जो इतना बाप बेबस हो गया है अपनी बेटी के सर पे, जो अमेरिका मैडम ये बता रही है, ये तो बहुत गलत। वुमेन सेफ्टी है पाकिस्तान के अंदर? सेफ्टी नहीं है। औरतों की सेफ्टी?
औरतों की नहीं है तो इसलिए तो उस लड़की के बाप ने ये कहा है ना। आपको क्या लगता है? सेफ्टी होनी चाहिए मैडम, लेकिन मैडम इसके बारे में आवाम क्या करे, ये तो गवर्नमेंट कोई सख्त कानून ऐसा बनाए जिसकी वजह से हर किसी को डर हो, किसी लड़की को कोई बिना वजह ना छेड़े। ये बात मतलब अगर कोई वजह हो तो छेड़ ले? नहीं वजह तो नहीं ना, जिसका कोई जैसे कोई तलुकात है या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो तो आपस में क्लास फेलों तो बात करते हैं, उसके अलावा कोई या किसी की जरूरत ना हो किसी लड़की को छेड़े या बिना वजह उससे कोई किसी चीज़ की बदतमीजी करे। अच्छा। जी जी नहीं, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक पाकिस्तान में विमेन सेफ्टी है क्यों नहीं, क्या वजह क्या है? ऑफिस में जाएंगे वहाँ रेप हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगी वहाँ रेप हो जाएगा, अस्पताल जाएंगी वहाँ रेप हो जाएगा, सड़कों पे घूमेंगी, भाई एक टाइम फिक्स कर दिया गया है, उसके बाद मर्दों को अगर गलती से औरत नजर आ गई तो मर्दों की नीयत डगमगा जाएगी। नहीं ये मैडम ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो मैडम किसकी गलती है सर, किसकी गलती है कि आज वुमेन सेफ नहीं है, किसकी गलती है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की गलती है? गवर्नमेंट ने रेपिस्ट छोड़े हुए हैं क्या? गवर्नमेंट ने नहीं रेपिस्ट छोड़े हुए तो मैडम, लेकिन इनको पकड़ना तो पड़ेगा ना। हाँ। तो कानून ऐसा होगा जिसकी वजह से ये पकड़े जाएंगे तो कुछ होगा ना। अच्छा कानून जब तक नहीं आता तब तक हमने गलतियां करी जानी है? नहीं नहीं ना होनी चाहिए। हाँ। नहीं होनी। क्यों करते हैं, क्यों औरत को रिस्पेक्ट की निगाह से मर्द नहीं देखते, क्या वजह है? देखना चाहिए अच्छी निगाह देखना चाहिए लेकिन नजरों में रिस्पेक्ट रख के देख लो आप है। नहीं, नहीं, मैडम अगर हम यहाँ से गुजर रहे हैं। हाँ। तो कोई नजर आ जाए तो देखने में बुराई नहीं है, अगर आप किसी से बदतमीजी करें या गलत। हाँ। मसला जैसे कहते हैं रेप कर रहे हैं वो, कुछ लड़के मिल जाते ऐसे करते हैं, लेकिन ये तो बहुत गलत, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, गलत बात है। किसी हम भी, हमारी भी बहनें भी हैं, बेटियाँ हैं, माँ माँ का एक ऐसा रिश्ता है, माँ से सब कुछ होता है, एक लड़की होती है वही फिर माँ बनती है, बेटी भी होती है, सब रिश्ते लड़की से बनते हैं। जब जब उम्र गुजरती है ना, उम्र के साथ एक बच्ची होती है, फिर वो माँ लड़की होती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर वो माँ बन जाती है, वो फूफो भी बन जाती है, खाला भी बन जाती है, सब रिश्ते लड़की से शुरू होते हैं। पाकिस्तानी मर्दों को औरत की रिस्पेक्ट करना अभी तक क्यों नहीं आया, चाहे वो अबाए में हो चाहे वो अबाए के बगैर हो, जैसा भी उसने लिबास पहना हो, इनकी नज़र में हया नहीं है, क्या वजह? मैडम मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ, मैं इधर मुलाजम हूँ लाहौर में, लेकिन गाँव में इज्जत है। उधर जिस जगह से लड़कियाँ अगर किसी बाज़ार में शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं ना, कोई लड़के उधर खड़े नहीं होते, हमारे बड़ों ने हमें समझाया है, हम तो बहुत इज्जत करते हैं। अच्छी तरबियत की है। जी 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 जी, लेकिन शहर में ज़रा माहौल ओपन है, इधर से भी नहीं डरते ये बस जी कानून होना चाहिए ना, अच्छा सख्त होना चाहिए, तो उसके लिए डारे को जब तक कानून नहीं बनता ना तब तक करी जाओ, ये हिसाब है हमारा। नहीं ये तो मैडम बहुत गलत है, लेकिन मैडम गाँव में बहुत अच्छा सकती है, उसके अलावा किसी गैर मर्द है ना उसकी जरूरत नहीं किसी के बिना वजह किसी के घर के सामने खड़ा हो जो, सब डेरे या और कोई पूछेगा भाई किससे मिलना क्या काम है, लेकिन शहर में ये नहीं माहौल है। अच्छा बदतमीजी जब लड़की से होती है, हरासमेंट तो होती है, उसके पीछे मर्द की गलती होती है, औरत की गलती होती है, किसकी गलती होती है? मैडम अगर पहले नंबर तो वादे लड़की किसी को किसी तरह की लिफ्ट कराई या मुस्कुराना कर, बिना वजह तो कोई नहीं छेड़ेगा। तो किसी को कभी मुस्कुराकर लिफ्ट लुफ्ट नहीं करवाई फिर भी लोग बदतमीजी कर जाते हैं? नहीं ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। जी जी थैंक यू सो मच। मैं तो इस पर यही कहूँगा, देखें इस चीज़ पे वो कैमरा उन्होंने लगवा तो दिया है, ये तो देखें कैमरा तो सामने की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा, तो वो ऐसा ही है उसके, अगर किसी ने बदतमीजी करनी है तो वो दूर से भी कर सकता, साइड से भी कर सकता, कैमरा उसका उतार के भी कर सकता है, तो इस पे इससे बेहतर है कि अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह जो जितने गुनाहगार इस दुनिया में हैं या इस पाकिस्तान में हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, सबकी बेटियों की इज्जत महफूज रहे, और जो है कि ऐसे तो नहीं हो सकता मेरे लिहाज से बेटियों के सर पे कैमरे लगा दें, कल को हम उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड छोड़ें, तो ये कुछ नहीं के सर पे, आपने एक बात बोली, हाँ लगा लेंगे, दो के सर पे लगा लेंगे, कितने के सर के पे लगाएंगे, यहाँ पे तो क्या औरत जिंदा तो क्या वो कब्र में महफूज नहीं है, कब्रों में ऐसे हो रहा है, उनका कब्रों में से निकाल के रेप हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करें, अपनी बेटियों को गाइड करें, उन पे भरोसा करना सीखें, उन पे एतमाद करें जिसको आप भेज रहे हैं, ये तो नहीं कि कैमरे लगा दें फिर उनके पीछे अपने काम छोड़ के आप नहीं कर सकते। सर हालात मुझे लगता है ये कंसर्न जो है वो इसलिए आया है क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी पोलियो वर्कर जो बच्चे को पोलियो पिलाने गई है उसको ज़बरदस्ती अंदर खींच के उसके साथ रेप करके उसको मार दिया गया,
इस तरह के ढेरों केसेस भरे पड़े हैं। 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, 8 साल की बच्ची का रेप हुआ, प्रेग्नेंट गधी तक को नहीं छोड़ा, तो अब मुझे बताएं क्या बाकी देखना रह गया है। मैम यही मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये देखें, अभी जो पोलियो के पहली बात तो चेक ये करना चाहिए, जो पोलियो टीमें आती हैं तो उनको देखें, उनके पास उनकी कोई आइडेंटिफाई देखें, उनको करें, उनके कार्ड देखें, कोई पोलियो को पहली बात बच्चों को उनको दे ही ना ऐसे, उनके साथ माँ बाप को खुद चाहिए बच्चों के साथ जाएं, उनको पोलियो कतरे पिलवाएं। मैं ये कह रही हूँ कि पोलियो वर्कर जो पोलियो पिलाने आती है ना, उसका खींच कर ब्रूटली रेप किया, उसका किया रेप जो बच्चों को पोलियो पिलाने गई थी। तो मैम ये तो फिर वो बेसी है, लोग दरिंदे हैं, वो अपने बच्चों का नहीं देखते मुस्तकबिल, वो अपना वो ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको हदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं। अल्लाह ने कहा हदायत, आप ज़रूर दुआ मांगे, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, अशरफुल मखलूकात हमें बनाया है, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, अकल वालों के लिए निशानियाँ दी हैं, अपनी अकल को इस्तेमाल करें। आप क्यों औरत को देख कर पागल हो जाते हैं भाई? मैम देखें, वो पागल ये इंसान की फितरत है, वैसे वो दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं जो पागल हो जाते हैं, वैसे जो इंसान है ना, मैं नहीं समझता कि वो औरत को देख के, वो चाहे औरत मेरे ख्याल में कैसे भी घूम रही हो तो उसको देख के पागल होगा। वो वैसे वही बंदे होते हैं जो अपने आप उनके पास समझ नहीं होती कोई अकल, वो समझ मेंटली पागल होते हैं, या वो ये समझते कि ये बस है, इसके अलावा कुछ नहीं, आगे हमने नहीं जाना या अल्लाह ताला को हिसाब नहीं देना, तो ये वो बंदे ये कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ जो इंसान होता है मेरे ख्याल में वो ये नहीं करेगा ऐसी गिरी हुई हरकत, तो वो वैसे भी या कुछ सिक्योरिटी के भी होना चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि ये ऐसे जो होते हैं मसलन हमारे जैसे पोलियो की टीम में या कोई और ऐसे निकलते हैं, उनके लिए कोई ना कोई थोड़ी बहुत वो सिक्योरिटी लाजमी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, उनको प्रोवाइड करें या पुलिस या कोई बंदा उनके साथ हो। मैं ये चाहती हूँ, हमारा अपना वतन है, हमारी अपनी सरजमीन है, हमारा अपना कानून है, इन सब चीज़ों के रहते हुए अगर हम रोड्स पर जा रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो हम इतने आज़ाद हो कि हमें श्योरिटी हो हम सेफ हैं। जैसे हजरत उमर के दौर में होता था कि कोई किसी औरत से ये नहीं पूछ पाता था कि तुम जा कहाँ रही हो, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में एक औरत रात को बाहर निकली थी, तो हजरत उमर खुद रात को वो जाते थे, गश्त करते थे, दौरा करते थे, और एक औरत जा रही थी, उनसे हजरत उमर ने पूछ लिया कि आप बीबी कौन है, कहाँ जा रही हैं। वो कह रही हैं उमर का दौर है, या तो आप उमर हैं या आपको उमर का डर नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बात है, ऐसी हुकूमत अब हमारे लिए वो मुमकिन नहीं है। देखिए आपके सामने हमारी जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो सब अपने पेट पालने के लिए, अपना ही वो करने के लिए आते हैं, तो किसी को आवाम का नहीं है, महंगाई है, कुछ भी ले लें आप, आपके सामने आजकल के हालात हैं, जना भी हो रहा है, चोरी भी हो रही है, डकैती भी हो रही है, कच्चे में देखे वो पुलिस वाले मर गए हैं, वो भी बेचारे डाकू हैं, वो भी किसी माँ बाप के बेटे थे, किसी घर के कफील थे, बच्चों के बाप थे, तो उनका किसी ने कोई पूछा ही नहीं है, एक दिन गाड़ियों पे बच्चों को बिठाया, प्यार किया, अब वो छोड़ दिए हैं, लावारिस हैं, कुछ नहीं है, तो वो एक पुलिस वालों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आवाम के साथ कैसे होगा? और उन कीड़ियाँ हैं, वही बात है ना, तो इसीलिए मेरा मानना तो यही है कि खुद से बंदे को कुछ ना कुछ एफर्ट करनी चाहिए, और उसके अलावा वालदेन को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएँ, अच्छी तालीम दें, और वो बच्चे जो है ना वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सके कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, किसके साथ बैठना उठना है, इतनी समझ बूझ होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे कर इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहूँगी, माशाल्लाह आपकी भी फैमिली होगी, घर में बहन बेटी माँ भी होंगी, और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि शायद आप में भी डर हो कि मैं अपने घर की औरतों को अकेला बाहर ना भेजूँ जैसा माहौल है, मुझे ये बताएगा किस जगह पर औरत सेफ़ है, क्या ऑफिस में सेफ़ है, क्या अस्पताल में सेफ़ है, क्या अगर वो टीचर है तो वो सेफ़ है, औरतों को छोड़े क्या यहाँ मर्द भी सेफ़ है, मर्द से बिल्कुल भी नहीं है औरत, आजकल मैं आपको बताऊं एक अकेला मर्द ही नहीं, औरतें भी ऐसी हैं जो मर्दों को हरासमेंट करती हैं। हम यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जिनसे हमें वो बड़े तरीके से बात करनी पड़ती है, वो आप बाहर फील्ड में चले जाएं, औरतें भी आपको, मेरे साथ खुद ऐसे वाकयात हुए हैं तो वो आपको हिट करती हैं, लेकिन वो बंदा अगर सही है तो आप निकल जाओ, अगर आप खुद वैसे हो तो फिर वो नहीं होता, वो चाहे औरत है या मर्द है। तो इसलिए बेटियां हमारी भी हैं, यूनिवर्सिटी भी जाती, सारा कुछ, हमें भी इस चीज़ का होता है डाउट कि वो 5-10 मिनट लेट हो जाएं, हमारी जान पे टेंशन हो जाती है, मसला बन जाता है, उनकी कॉल ना आए, उनसे बात ना हो सके, तो यही प्रॉब्लम सारे सबके साथ है, सबके ऐसे ही है। तो मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सबको हदायत दे, सबके बेटे बेटियों को, सबको अपने ज़मान में रखे, और सारी मुस्लिम जो है हमारी मुसलमान भाई बहन भाई हैं सबको ये सोचना चाहिए कि हम अगर मेरे मैं किसी को छेड़ रहा हूँ तो मेरी बहन को भी कोई छेड़ेगा, तो इसलिए ये ज़रूरत ही ना पड़े कि कोई वालदेन अपने बच्चों के सर पे कैमरा लगाए
सीसीटीवी कैमरा लगाए, तो कोशिश करें कि वो अब किसी की बेटी को अपनी बेटी समझेंगे तो सारा कुछ वो सही है, अगर नहीं समझेंगे तो वो जाहिर बात आज मैं किसी की तरफ आंख उठाऊंगा तो कल मेरी तरफ ये उठाएगा। ये तो कुदरती तौर पे वो है, अल्लाह की तरफ से हुक्म भी है ये कि वो आपको इसकी चीज़ रिटर्न होगी। अगर मैं किसी के साथ जना करूँगा तो वो मेरी फैमिली उसका वो जो देगी वो भुगतेगी, वो मैं नहीं समझूँगा इस चीज़ को। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो बस यही है कि अल्लाह ताला बेहतरी करे और इस चीज़ की दुआई कर सकते हैं, या उनको अपने आप खुद शर्म होनी चाहिए जो बंदे ये चीज़ करते हैं, किसी बेटी को जाती हुए छेड़ रहे हैं या किसी औरत को किसी को भी। तो ये अगर आप अबाये में जा रहे हो ना आपकी आंखों की तारीफ हो जाएगी, ठीक है, अगर आप अबाये के बगैर जा रहे हो तब भी छेड़ेंगे, अबाये में होगे तब भी आप सेफ नहीं है, और अगर छोटी बच्ची होगी वो भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, छोटी बच्ची के साथ रेप हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, अपनी आंखों से देखा भी है सुना भी है, ऐसे वाकयात कई देखे जो हो रहे हैं। तो लेकिन हमारे मुल्क में कुछ नहीं, एक दो दिन और शोर डलता है, जिनकी बहू बेटी होती है उनको तकलीफ होती है, ना किसी ना कोई स्टैंड नहीं लेता, ना हुकूमत लेती है ना कोई और लेता है, अगर कोई बंदा ले लेता है वो गरीब बंदा होता है। मैंने आज तक कभी किसी बच्ची के साथ रेप हो, किसी लड़की किसी बूढ़ी अम्मा तक के साथ हुआ है, मैंने कोई एहतजाज नहीं देखा यहाँ पर अपनी आंखों से। आज करता भी नहीं है ऐसा एहतजाज करके, जो कर लेता है वो ज्यादा जलील खुद ही होता है। के पास ही ये सरगंगाराम अस्पताल है ना, 5 साल की बच्ची का स्वीपर ने रेप किया है यहाँ सरगंगाराम के अंदर। तो वही बात है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि बेहिसी है, दरिंदगी है पाकिस्तान में, जो है ना ये मुसलमानियत का नाम रह गया है, बंदे जो जितनी घूम रहे हैं आजकल जो दरिंदे ही हैं। तो बाकी यही मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी करे इनको, कोई अल्लाह ताला हदायत दे, और ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे बंदों को जो है ना इबरतनाक सजा दें, और उनको आइंदा ताकि ये हो जाए कि ये किसी दूसरे बंदे को सोचते हुए भी वही डर लगता हो कि यार ये मैं करूँगा तो मेरे साथ ये होगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ये होता है कि एक बंदे ने किसी के साथ रेप किया है, बच्ची के साथ किया है, बड़े के साथ किया है, या कोई भी गलत काम किया है, वहाँ पे जाएगा उसको पता है जी मैं पैसे खुल्लम खुल्ला घूमते हैं, उनको डर ही नहीं होता कि मेरे पास MP है, MNA है, किसी ना किसी की सोर्स से लड़ जाएगी, या मैं पैसे दे के वो रिहा हो जाऊँगा। पाकिस्तान में ये हालात हैं, तो इस वजह से ये जराइम जो है बढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो ये इसी सूरत में रुकेंगे, हुकूमत भी कुछ करे। सऊदीया वाला कानून होना चाहिए बिल्कुल, उनके उसी टाइम पे अगर कोई हाथ से गलती कर रहा है तो वो काट दिया जाए, टांग से कर रहा है वो काट दिया जाए, किसी भी जिस्म के हिस्से से कोई गलती कर रहा है, कोई भी गुनाह कर रहा है, वो उसको फौरी तौर पे सजा होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए पूरे अवाम के सामने कि जाके ताकि अवाम भी इबरत हासिल करे इससे। जियाउल हक के दौर में 2 लड़कों को फांसी दी गई थी सरेआम, जिन्होंने लड़कियों को छेड़ा था। हाँ जी, तो वो ऐसे ही है ना मैम, वो जियाउल हक के दौर में दी गई थी, तो उसमें जारी बात है रेप केसेस कम हो गए थे। तो अभी ये देखिए, जब अभी ना पहले ना नवाज शरीफ की हुकूमत थी गालबन, सिंध में डकैतियाँ चोरियाँ बहुत होती, गरीब अवाम को उठा के करोड़ों रुपये तवान मांगते थे। जब वहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, आर्मी ने किया सही तरीके से, वहाँ पर गए, उसके बाद सिंध में सुकून हो गया था। अब फिर वही हालात हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, चोरियाँ टके थे, अब क्या है कि हमारे हुक्मरान जितने भी हैं ना वो खुद इसी काम पे लगे हुए हैं, तो किसी को देखते ही नहीं, क्या करें अब। तो गरीब आवाम जो है मर रही है, कुड़ रही है, पिस रही है, कोई बंदा नहीं पूछने वाला। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतरी करे, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, कोई बंदा ये ना सोचे कि मैं इसको छेड़ लूँगा, ये मेरी बेटी है, किसी की बेटी है, मैं इसको, जारी बात है मेरी भी है, तो ये सोचेंगे तो खुद ब खुद सारा मुआशरा सही हो जाएगा। बाकी जो वालदेन ये सोच रहे हैं कि हम कैमरे लगवा देंगे बच्चियों के सिर पे, जिसे कराची वालों ने लगवाया है, तो वो नहीं कुछ भी होने वाला, वो तो अल्लाह ताला ही उसको और छेड़ेंगे और उसके लिए मजाक भी बन जाएगा। तो कोशिश ये करें या तो खुद उसको हैंडल करें, बच्चे को खुद इतना ही डर है तो उसको पढ़ने जा रही है या जॉब करने जा रही है, खुद उसको अदारे में छोड़ें या खुद लेकर आएँ, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी उसको दें, ये नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।